हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रोकी कटारिया आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे न्यू व्लॉग में। और नया दिन है, नया व्लॉग, तो ये व्लॉग काफ़ी धमाकेदार होने वाला दोस्तों, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं एक जिम ओपनिंग में। और जो जिम है वो 7 से 8 लाख रुपए में इतनी अच्छी बना दी गई है कि शायद ही आपने देखा होगा। तो अभी हम वहाँ चलते हैं। क्या है कि जो मेरे से जुड़े हुए हो आप, तो आपको पता ही होगा कि मैं बॉडी बिल्डिंग वगैरह भी करता हूं, और सोनीपत में जो है वो अपनी जिम है। तो वहां पे एक दोस्त आता था, मतलब पास में ही उसका गांव भी है, विनय राणा, तो वो जिम ओपन कर रहा। और उन्होंने मेरे को बुलाया कि भैया ओपनिंग है ऐसे और आप आओ। वैसे तो मैं तो खैर कल भी गया हुआ था, क्योंकि जो है जिम वगैरह ओपन करने से पहले उनकी मशीनों की सेटिंग वगैरह करनी थी। तो कल उन्होंने फ़ोन किया कि भाई एक बार आके एक बार बता दो हमारे को कहाँ क्या रखना है। तो अच्छे से वो सेट हो चुका है सारा जिम, और आज जो है उसकी ओपनिंग है। तो अभी हम चलते हैं जिम ओपनिंग में, और आपको दिखाता हूँ कैसा कलर कॉम्बिनेशन किया हुआ है, और किस तरह से जो है सारी मशीनें, सभी मशीनें, कार्डियो और सारी टोटल मशीनें, वेट, डंबल प्लेट, सभी मिला के जो है खर्च वगैरह आया 7 से 8 लाख रुपये। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद ही आपने इस बजट में ऐसा जिम देखा हो। तो चलो दोस्तों, फिर लेके चलता हूँ आपको जिम ओपनिंग पे। तो निकलते हैं, अभी मैं तैयार हो ही चुका हूँ। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं ओपनिंग के लिए, और ये सामने जो है ये रेलवे वाले फ्लैट हैं, और अभी 2-3 किलोमीटर ही दूर है घर से। लेफ्ट में ये है ब्राइट स्कॉलर स्कूल आ गया, और जो है सामने आप देख रहे हैं बीएम कॉलेज है, और राइट साइड में जो यहाँ पे वर्धमान सिटी है। यहाँ से काफ़ी अच्छे क्लाइंट जो है जिम में आएंगे, विनय को मिल जाएंगे। और लेफ्ट में अभी यहाँ पे ये अखाड़ा आ गया, यहाँ पे हमने भी काफ़ी वर्कआउट किया है बचपन में। और ये आ गया विनय का गांव, और हम पहुँच गए हैं बस जिम के बाहर। Thank you.
तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं घर पे और जिम वगैरह आपने देखी कैसी लगी आप वो कमेंट करें। और आप सोच रहे होंगे कि इस बजट में और इतनी अच्छी जिम कैसे लग गई, तो ऐसा हुआ कि जो ये विनय था जो इनकी प्रॉपर्टी है वहाँ पे पहले क्या है कि वो थी इनकी एक स्कूटी बाइक की वो कंपनी थी, तो वहाँ पे इनका जो पेंट वगैरह था वो पहले से हुआ हुआ था और जो इन्वर्टर था वो भी पहले से ही था, आरओ था वो भी पहले से ही था, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उस पर खर्च नहीं करना पड़ा और जो मिरर वगैरह हैं वो भी पहले से ही थे। तो हाँ, जो एसी आपने देखा होगा वो भी पहले से ही हैं, दो दो एसी, तो वो सारा जो खर्च एक्स्ट्रा होने वाला था वो नहीं हुआ, इसलिए इसका जो है जिम का बजट ये 7 से 8 लाख रुपए का रहा। क्योंकि अगर नॉर्मली एक जिम लेके चलते हैं प्रॉपर खाली जो जगह मिली हो में और सारा सब कुछ सेटअप करना है तो उसमें 12 से 15 लाख रुपए तो लग ही जाते हैं। अगर नॉर्मली भी करते हैं तो 12-15 नहीं तो करीब 10 से 12-13 तक तो लग ही जाएंगे। तो ये बेनिफिट रहा विनय के पास कि उनको पहले से ही कुछ चीज़ें वहाँ पर मिली और वो उन्हीं की थी, उन्हीं की जो ई बाइक की एजेंसी में थी, तो ये प्रॉफिट रहा उनको, तो इसलिए उन्होंने अभी जो है 7 से 8 लाख ही जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी जिम के लिए। और दोस्तों अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है तो आपने देखा होगा कि जिम में जो स्मिथ मशीन और स्क्वाट स्टैंड नहीं है और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे पंचिंग बैग, स्टेपर्स और योगा मैट वगैरह होते हैं वो नहीं है। तो उसका रीज़न क्या हुआ कि इन्होंने जो है विनय ने 1 जनवरी की जो है ओपनिंग का टाइम रखा हुआ था और जहाँ से ये सारा सामान वगैरह परचेज़ किया था वो उन्होंने बोला था कि हम आपको 28 या 30 तक हम सारा सामान जो है वो भेज देंगे आपके पास और आप ओपनिंग आराम से कर सकते हो, लेकिन उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया और टाइम जो है वो रखा हुआ था वन वगैरह का, तो इसलिए विनय को ऐसे ही ओपनिंग करनी पड़ी, थोड़ा कम सामान है। हालांकि मैंने विनय को बोला था कि अगर होल्ड हो सकता हो तो रोक लो 1-2 दिन के लिए, क्योंकि जो है जिम की ओपनिंग है और उस टाइम पे अगर सामान वगैरह जो है वो प्रॉपर नहीं है तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। अगर मेरे साथ ही कोई गया और वो अगर देख के और दोस्त उसे के पूछे कि भाई कैसी जिम लगाई है विनय ने और वो बोले कि भाई सामान वगैरह अच्छा नहीं है, मतलब है कि पूरा नहीं है, वैसे तो सेटअप बहुत अच्छा है आपने देखा लेकिन सामान वगैरह पूरा नहीं है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो चलो खैर कोई नहीं, अब तक तो अब जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक तो पूरा सेटअप हो ही चुका होगा अच्छे से, तो आप ज़रूर अगर पास से हो तो आप ज्वाइन करो। तो दोस्तों ये था व्लॉग और कैसा लगा आपको व्लॉग ये कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ऐसे ही व्लॉग आते रहेंगे हर तरह के, तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप शेयर भी करो, लाइक करो, कमेंट करो। ओके दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।